नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, वीडियो वायरल। एसपी अनुराग आर्य बोले, दो लोग हिरासत में, घटना में शामिल लोगों पर होगी कार्रवाई। आजमगढ़ जिले के जहानागंज में बसपा के जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का वीडियो सामने आया है। इस जुलूस में बड़ी संख्या में बसपा के पदाधिकारी दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का वीडियो बसपा से चेयरमैन की तैयारी करने वाले मुर्शिद आलम ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर भी किया। विवादित वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई है। बसपा नेताओं का यह विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस बारे में जिले के एसपी अनुराग आर्य का कहना है कि विवादित नारे लगाने का वीडियो सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में जहानागंज के मुफीद आलम उर्फ पप्पू खान और खुर्शीद है। इन दोनों लोगों से इस मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर इनके मोबाइल से वीडियो रिकवर कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल को जांच के लिए भेजा जा रहा है। इसमें अनुराग आर्य का कहना है कि जिले में धारा 144 लागू है, ऐसे में इस बात की भी जांच की जा रही है कि कार्यक्रम को लेकर इन लोगों के पास परमिशन थी या नहीं। सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। इसके साथ यदि और लोगों की संलिप्तता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से आज एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए जाने की शिकायत कुछ लोगों के द्वारा की गई है। इस वीडियो का अध्ययन किया गया, जो दो लोग हैं जिसके समर्थन में आयोजन किया जा रहा था, प्रत्याशी पप्पू खान और नारा लगाने वाला खुर्शीद अहमद पुत्र शिवली पहलवान, जो वही पश्चिम जहानागंज का रहने वाला है, इन दोनों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। इनके मोबाइल को भी जब्त करते हुए उससे जो मूल वीडियो है उसको रिकवर करा के फॉरेंसिक जांच उसकी कराई जाएगी और कठोर कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। थाना जहानागंज पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। विस्तृत पूछताछ दोनों से जारी है। क्या इस जुलूस की कोई परमिशन थी या नहीं थी, इसके संबंध में भी जानकारी की जा रही है। ये भी धाराएं इसमें बढ़ाई जाएंगी विदाउट परमिशन, जो क्योंकि धारा 144 जनपद में लागू है, विदाउट परमिशन जुलूस निकालने के संबंध में भी जो अपराध हुआ है उसकी भी धाराएं इसमें शामिल की जाएगी। सर, कोई विधायक भी उसमें सम्मिलित रहा है तो उसको भी पुलिस संज्ञान में लेकर, जो वीडियो सामने आया है उसके आधार पर दो लोगों को गिरफ्तार हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। जो भी लोग शामिल रहे होंगे सभी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।